लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में रांची की होटवार जेल में बंद है। वहीं लालू के दूसरे दामाद राहुल यादव से ईडी ने दिल्ली स्थित कार्यालय में पूछताछ की। जानकारी के अनुसार लालू के दामाद राहुल यादव से रेलवे होटल को निजी कंपनी को दिए जाने के संबंध में पूछताछ की गई। उन पर अपनी सास और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 1 करोड़ रुपए देने का आरोप है। ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है कि ये पैसा उनके पास कहां से आया। ईडी द्वारा राहुल यादव को पूछताछ का समन जारी किया गया था। राहुल यादव पूर्व समाजवादी विधायक जितेंद्र यादव के बेटे और लालू की चौथी बेटी रागिनी के पति हैं। ईडी ने पिछले महीने पूछताछ के लिए राहुल यादव को समन जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय को पता चला था कि राहुल से उनकी सास राबड़ी देवी के पास कथित तौर पर पैसा भेजा गया। इसके बाद पिछले महीने राहुल को तलब किया गया था। ईडी इस मामले में पहले ही धन शोधन के एक अलग मामले में लालू के बड़े दामाद शैलेश कुमार की भूमिका की जाँच कर रही है। शैलेश लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।